आगरा में विकसित भारत संकल्प यात्रा एतमादपुर की ग्राम पंचायत सैफुद्दीनपुर मुरथरा अलीपुर में पहुंचकर केंद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का प्रसार प्रचार कर लोगों को जागरूक किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस दौरान विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए संबोधन को सुना गया। बाद में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल और क्षेत्रीय विधायक धर्मपाल द्वारा किसान सम्मान निधि के पात्र लाभार्थियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। लकड़ी फाड़ी तोड़ के रोटी खाना बनाते बड़ी दिक्कत होती, आंखें थे अंधे हो गए, अब बड़ी सुविधा है, गैस पर रोटी बना लेते हैं। मोदी जी को धन्यवाद। मेरा आयुष्मान कार्ड बीमारी वाला बनवाया कार्ड, और हमारे परिवार में कोई परेशानी आ रही है दवाई करवा सकूं, और मैं लकड़ी तोड़ के खाना भी बनाते, मेरी आंखें भी धुआं भी लगता, और अब सिलेंडर मुझे मिलेगा, खाना बहुत अच्छा है, और वो भी प्रधानमंत्री को धन्यवाद। और जो हमारी मोदी सरकार ने जो योजना चलाई है किसान सम्मान निधि की, ये बहुत अच्छा किया है। डायरेक्ट हमारे खाते में पैसे आते हैं, एक साल में 6000 मिलते हैं साहब, और हम दो किसान घर में दो भारतीय दोनों को पैसे मिलते हैं साहब। पहले हम खाना चूल्हे पर बनाते थे, लकड़ी तोड़ के लाते थे पेड़ों पर, बहुत परेशानी थी पहले, अब मोदी के द्वारा सिलेंडर मिलवाया तब से सुविधा अच्छी मिल गई है, खाना भी सही समय पे मिल रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा आज हमारी आगरा लोकसभा की एतमादपुर विधानसभा के दूरस्थ गांव में आई हुई है, जिसमें सरकार ने 9 साल में क्या किया है और क्या करने जा रहे हैं मोदी जी, इसकी गारंटी दे रहे हैं। इसमें यह बताया गया है कि 11 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त मिल चुकी है, लगभग 9 करोड़ लोगों को गैस कनेक्शन मिल चुका है, 70 करोड़ लोगों का आयुष्मान कार्ड बन गया है, 6 करोड़ लोग 5 लाख प्रति व्यक्ति प्रति परिवार पूरे साल में इलाज करा चुके हैं, इसी प्रकार से 4 करोड़ के आसपास प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास बन चुके हैं, शौचालय बन चुके हैं, विधवा विकलांग वृद्धावस्था पेंशन की है। तो ये मोदी जी एक वैन के द्वारा एक गारंटी दे रहे हैं कि मैंने जो कहा है वो करके दिखाया है। जो योजनाएं भारत सरकार की हैं और जो योजनाएं प्रदेश सरकार की, उन योजनाओं का प्रचार प्रसार किया गया, कैंप लगाए गए, और उन योजनाओं को जो पात्र व्यक्ति हैं उन तक उनका लाभ ज्यादा तक पहुंचे उसका आयोजन किया गया। जिन लोगों के कार्ड नहीं बने थे उन्हें कार्ड प्रदान किया गया, और जो भी समस्याएं हैं हमारे किसान भाइयों की, हमारे महिलाओं की, हमारे युवाओं की, उन समस्याओं का निस्तारण भी यह मौके पर किया गया।